गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एडजेक्टिव और उसके काइंड्स इनके बारे में आपसे चर्चा किए थे। आपने एडजेक्टिव के बारे में ये देखा कि एडजेक्टिव एक क्वालिफायर रहता है, ये क्वालिफाई नाउन या प्रोनाउन को करता है। क्वालिफाई किस तरह से करता है, ये नाउन या प्रोनाउन की साइज को बताता है, ये नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताता है या उसके कलर्स को बताता है। इस तरीके से एडजेक्टिव के बारे में एक क्वालिफायर की तरीके से मैंने जाना कि एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला एक वर्ड रहता है। एडजेक्टिव को आपने दो तरीके से डिवाइड किए थे, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव रहता है, दूसरा डिटरमाइनर एडजेक्टिव होता है। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या होता है और डिटरमाइनर एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या रहता है, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में ये सीखे थे कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके गुण अवगुण को बताता है। वहीं पर डिटरमाइनर ये नाउन या प्रोनाउन की संख्या को बताता है, उसकी मात्रा को बताता है, उसकी पहचान कराता है, यानी आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा, क्वांटिटी सोविंग का काम करेगा, उसकी नंबर सोविंग का काम करेगा। तो यहाँ पर डिटरमाइनर को भी मैंने इसके यूज के आधार पर दो तरह से इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसमें कुछ जो डिटरमाइनर्स रहते हैं ये उसको नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, वहीं पर कुछ डिटरमाइनर्स जो रहते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी या उसके नंबर को बताते हैं। तो इस तरह इसको समझाने के लिए मैंने इसको दो टाइप में डिवाइड किए, जो उनकी पहचान को बताते हैं उसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स के बारे में आपने देखा कि ए एन दा में कुछ इसके डेफिनेट आर्टिकल होता है और कुछ इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो डेफिनिट आर्टिकल में दा और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन। इसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में आपने हिज, हर, योर, देयर, अवर, माय, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। इसके बाद तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो नाउन या प्रोनाउन की ओर पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इनका रोल क्या रहता है किसी भी सेंटेंस में, ये नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो आइडेंटिफायर्स के रूप में पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, इनके बाद आर्टिकल्स और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इनको ले लेते हैं। इसके बाद में एक जो उसका नंबर सोविंग करता है, उनकी क्वांटिटी सोविंग करता है। अब नंबर सोविंग के लिए अगर देखूं तो जो नाउन्स काउंटेबल रहते हैं उनको तो मैं काउंट कर सकता हूं, और जो नाउन अनकाउंटेबल रहते हैं यानी कि जितने भी, जैसे मैं मिल्क को ले लूँ, कैरोसिन को ले लूँ, या जो भी जितने जिनकी काउंटिंग ना हो सके, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल रहते हैं। तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल, अब इनके लिए काउंटेबल जो होंगे उनको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जो होगा उन्हें गिना नहीं जा सकता है। काउंटेबल नाउन्स के साथ में जो भी नाउन यूज करते हैं तो वो नाउन आपका प्लूरल नंबर का रहता है। वहीं पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो भी, यानी डिटरमाइनर के साथ में जो भी अनकाउंटेबल नाउन लेता हूँ उसी प्लूरल नंबर का रहता है। अब इनके जब इनका फॉर्मेशन करते हैं तो अगर हमारा नाउन प्लूरल का है तो उसके साथ में जो भी वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब भी हमारा प्लूरल नंबर का होगा। इसी तरीके से जो अनकाउंटेबल रहता है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो भी वर्ब यूज करता हूँ उसी प्लूरल नंबर का रहता है। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन एक सिंगुलर नंबर के नाउन की तरह बिहेव करता है, तो इनके साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर नंबर का होगा। तो यहाँ पर इस टॉपिक में मैं आपसे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लेस, फीवर, लेसर, इतने वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे, और ये सारे के सारे वर्ड्स ये डिटरमाइनर्स हैं। अब इनमें लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये क्वांटिटी क्वालिफायर है, क्वांटिटी बताते हैं। वहीं पर फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, ये नंबर सोविंग के लिए एक डिटरमाइनर के रूप में। लेस, लीस्ट और फीवर, लेस लिटिल का कंपरेटिव है, लिटिल का सुपरलेटिव लिस्ट,
फीवर ये फ्यू का एक कंपरेटिव वर्ड है, लेसर भी लिटिल का एक कंपरेटिव है। अब लेकिन इनमें डिफरेंस क्या रहता है कि जो मैं कंपरेटिव दोनों वर्ड है, लेस भी कंपरेटिव है लिटिल का और लेसर भी कंपरेटिव है, लेकिन इनके यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि लिटिल एक क्वांटिटी क्वालिफाई करता है, वहीं पर लेसर यानी लोअर इन क्वालिटी, लोअर इन वैल्यू, यानी कि जिस उसे कंपेरिजन कर एक क्वालिफाई करता है। तो जहाँ पर क्वालिफाई कराने की बात करेंगे तो उस कंडीशन में लेसर यूज करता हूँ, और जहाँ पर क्वांटिटी की बात करता हूँ तो वहाँ पर लेस यूज करते हैं। लेस के बाद में कंपेरिजन के लिए मैं से के अर्थ में देन यूज करता हूँ, वहीं पर सेलेक्शन, सेलेक्शन के लिए जहाँ पर चुनाव करता हूँ, एक चॉइस रहती है, तो उस कंडीशन में मैं लेसर यूज करता हूँ। तो लेसर क्वालिटी क्वालिफाई करता है, वहीं पर लेस एक क्वांटिटी क्वालिफाई करता है। तो ये दोनों में थोड़ी भिन्नता है। फीवर ये प्यू का एक कंपरेटिव वर्ड है, फीवर के साथ भी देन लेता हूँ। अब फीवर का मीन क्या रहता है, सेक कम। अब इनका मैं एग्जाम्पल देकर इलिस्ट्रेट करेंगे कि इनको मैं किसी भी सेंटेंस में यूज किस तरह से करता हूँ। तो यहाँ पर अपने लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इसके बारे में पहले देखेंगे। लिटिल का कंपरेटिव लेस होता है, लिटिल का कंपरेटिव लेसर भी होता है, इसका सुपरलेटिव लीस्ट होता है। अब इनको यूज कैसे करेंगे, अब इसके बाद तो आ लिटिल और द लिटिल, ये तीनों के तीनों वर्ड लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इनको क्वांटिटी क्वालिफाई करने के लिए यूज करेंगे। लिटिल का मीन क्या रहता है, इनसफिशियंट, नॉट इनफ। तो जहां पर नॉट सफिशियंट तो उस कंडीशन में लिटिल। अब मैं कैसे नॉट सफिशियंट, जैसे देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बकेट, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बकेट, आई वॉन्टेड टू मेक टी बट देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बकेट। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बकेट बट सी वांटेड टू मेक टी, यानी सी वांटेड टू मेक टी, यानी देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बकेट बट सी वांटेड टू मेक टी। यहाँ पर लिटिल का सेंस रहता है कि नॉट सफिशियंट, इसका मीन क्या रहता है, नॉट सफिशियंट, यानी मिल्क तो था लेकिन वो सफिशियंट नहीं था, उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं थी कि उसे चाय बनाई जा सके। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बकेट बट सी वॉन्टेड टू मेक द टी, यानी कि देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बकेट, बकेट में लिटिल मिल्क था लेकिन वह चाय बनाना चाहती थी। क्या ये पॉसिबल था, ये पॉसिबल इसलिए नहीं था कि जो बकेट में मिल्क था वो तो ना के बराबर था, यानी कि जितना हमको एक नीड थी चाय बनाने के लिए तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग उसमें मिल्क नहीं था। तो इसका मतलब है कि ये हमारा लिटिल जो है एक निगेटिव सेंस देता है। तो निगेटिव सेंस की स्थिति में हम लिटिल का यूज, निगेटिव लिटिल का यूज करेंगे, यानी उतने से चाय नहीं बन सकती थी। सी वांटेड टू मेक टी, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बकेट। तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर लिटिल एक प्रॉपर वर्ड नहीं है, किस अगर वो चाय बनाना चाहती थी तो उतने से उसकी चाय नहीं बन सकती थी। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हेलो,
तो यहाँ पर आपने ये देखा कि लिटिल एक क्वांटिटी क्वालिफायर है, लेकिन पूरी तरह से मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि लिटिल सिर्फ क्वांटिटी ही क्वालिफाई करता है। नाउन या प्रोनाउन किसी नाउन की जो अनकाउंटेबल है उसकी क्वांटिटी को ही क्वालिफाई करेगा। ये तो किसी भी सेंटेंस में रखकर उसको देखकर ये जज किया जा सकता है कि यहाँ पर इसका रोल क्या है। ये क्वालिटी भी क्वालिफाई करता है। जैसे सीधा ये जा लिटिल गर्ल, तो यहाँ पर मैं ये देखूँगा सीता इज ए लिटिल गर्ल। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि एक एडजेक्टिव की तरीके से एक क्वालिटी क्वालिफाई उसके साइज को शो कर रहा है। सीधा ही जा लिटिल गर्ल, तो साइज को शो करता कौन है? साइज को तो एक क्वालिटी क्वालिफायर हुआ। तो यहाँ पर मीन क्या है कि ये एक एडजेक्टिव की तरीके से बिहेव कर रही है। यहाँ पर क्वांटिटी नहीं क्वालिफाई कर रहा है कि गर्ल की क्वांटिटी को क्वालिफाई नहीं किया। इसी तरीके से सीधा वाज लिटिल लेट, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लेट तो एक एडवर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। इसका मीन क्या है कि ये एडवर्ब की तरीके से भी बिहेव करेगा। तो ये तो किसी भी सेंटेंस में यूज करके ये देखता हूँ कि ये क्वांटिटी क्वालिफाई कर रहा है या इसकी क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरीके से भी बिहेव करता है, एडवर्ब की तरीके से भी बिहेव करता है, और ये एक क्वांटिटी क्वालिफाई को करता ही करता है। तो लिटिल का यूज मैं कब करता हूँ? जहाँ पर नॉट सफिशियंट। अ लिटिल सफिशियंट, नॉट सफिशियंट का मीन क्या है कि जैसे मुझे जितनी मिल्क की ज़रूरत थी चाय बनाने के लिए उतना मिल्क नहीं था, तो इसका मतलब नॉट सफिशियंट। और जितने की मुझे ज़रूरत थी उतना मिल्क था, तो अ लिटिल। जैसे एक एग्जांपल, यहाँ पर जैसे दे रहा हूँ कि आई गेव हिम लिटिल मिल्क टू मेक टी। अब यहाँ पर अगर इस लिटिल वर्ड को देखूँ कि लिटिल वर्ड, यहाँ पर मिल्क को एक अनकाउंटेबल हो, मिल्क से पहले मैंने लिटिल का यूज किया तो एक डिटरमाइनर की तरीके से। अब इसमें रहता क्या, इसका यूजिंग डिटरमाइनर प्लस नाउन। अब ये नाउन हमारा अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है? अगर अनकाउंटेबल है तो इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब होगा, ये नाउन भी हमारा सिंगुलर होगा। और अगर ये डिटरमाइनर प्लस नाउन, अगर ये नाउन प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यहाँ पर मैं मिल्क देख रहा हूँ तो मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इज दिस सेंटेंस करेक्ट, तो यहाँ पर पढ़ करके इसे देखिएगा कि आई गेव हिम लिटिल मिल्क टू मेक टी। लिटिल के बारे में मैं ये जानता हूँ कि लिटिल नॉट सफिशियंट को शो करता है। अब चाय बनाने के लिए हमको सफिशियंट मिल्क की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर तो ये लिटिल का मीन क्या है, नॉट सफिशियंट, जितने से चाय नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर क्या है, आई गेव हिम लिटिल मिल्क टू मेक टी, जिसका मीन क्या है कि ये यहाँ पर वर्ड रॉन्ग है। अगर मैं इसके पहले आ लगा दूँ, अगर मैं लिटिल से पहले आ लगा दूँ तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा कि आई गेव हिम आ लिटिल मिल्क टू मेक टी। तो आ लिटिल का सेंस क्या रहता है, आ लिटिल सफिशियंट। लिटिल का मीन क्या है, सफिशियंट, और लिटिल का मीन नॉट सफिशियंट। द लिटिल का मीन जितना था उतना सब। दस लिटिल का मीन क्या है कि आई गेव हिम द लिटिल मिल्क आई हैड, यानी किसी ने अगर आपसे
मिल्क की बात की कि मुझे दीजिए मिल्क, तो आई गेव हिम द लिटिल मिल्क आई हैड इन माय बकेट, यानी मेरी बकेट में जितना भी मिल्क था मैंने सारा का सारा दे दिया। तो द लिटिल मिल्क, यहाँ पर लिटिल से पहले मैंने द लगा दिया, तो द के बारे में एक उसको डिफिनिट कर दिया, तो जहाँ पर वो डिफिनिट हो जाएगा तो उसके पहले मैंने आर्टिकल द यूज किया। तो द लिटिल का मतलब क्या है, एक डिफिनिट हो गया कि जितना था उतना सब। तो आई गेव हिम अ लिटिल मिल्क टू मेक टी, अभी हमारा सेंटेंस सही है। अब अगर यही आई गेव हिम द लिटिल मिल्क, यहां से दावी हटा देते हैं, आई गेव हिम लिटिल मिल्क दैट आई हैड। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये लिटिल एक प्रॉपर है, मैं यहाँ पर आ लगा दूँ, मैं यहाँ पर दा लगा दूँ, तो दा लगा करके सही होगा या आ लगा कर आई गेव हिम अ लिटिल मिल्क दैट आई हैड, तो जो मिल्क था उसकी क्वांटिटी के बारे में मुझे पता था, उसके बारे में पहले से जानता था कि मेरे बकेट में कितना मिल्क है। अब अगर देने की बात आती है तो इसका मीन क्या है कि मिल्क तो डिफिनिट था, अगर मिल्क डिफिनिट था तो यहाँ पर आ एक प्रॉपर वर्ड नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ से इतना रिमूव कर दूँ, इतना चिपा लूँ, आई गेव हिम अ लिटिल मिल्क, ये हमारा सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर इसके साथ में ये भी लिखा है, ये हमारा एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ये मिल्क को इसको क्वालीफाई कर रहा है। अब अगर इस ये तो डिफिनिट था, अगर ये डिफिनिट था तो उस कंडीशन में यहाँ पर द लगाऊंगा, तो आई गेव हिम द लिटिल मिल्क दैट आई हैड। अब हमारा ये द एक प्रॉपर वर्ड होगा, आ यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कहने का मीन क्या था कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, लिटिल का यूज मैं तब करूँगा जहाँ पर सफिशियंट नहीं रहता है, आ लिटिल का यूज मैं तब करता हूँ जब सफिशियंट रहता है। सफिशियंट का मीन क्या है कि मुझे जितना ज़रूरत था उतना था, जिससे हमारा काम चल सकता था, तो द ये आ लिटिल और लिटिल का मीन कि उतना जितना मुझे ज़रूरत था उतना अवेलेबल नहीं था, तो उस कंडीशन में मैं लिटिल यूज करता हूँ। आई हैव लिटिल मनी, यानी समबडी बैग्स यू, आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी आई कांट हेल्प यू। अब अगर ये देता है आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, आई हैव लिटिल मनी सो आई कैन हेल्प यू। अब अगर आपसे कहा जाता है कि इसे करेक्ट करें या ये बताएं कि सेंटेंस सही है कि गलत है, आई हैव लिटिल मनी सो आई कैन हेल्प यू, इसलिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई हैव लिटिल मनी। अब अगर मैं लिटिल के बारे में देखता हूँ तो लिटिल एक नेगेटिव सेंस रखता है, ये नॉट सफिशियंट, इनसफिशियंट कंडीशन में है। अब अगर ये इनसफिशियंट कंडीशन में है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो ये चीज़ का अपोज कर रहा है। तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर लिटिल एक प्रॉपर वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन हेल्प यू। अब अगर आई हैव लिटिल मनी सो आई कैन हेल्प यू, अब अगर इसी को आई हैव मनी आई हैव गिवन हिम मनी दैट आई हैड, अब यहां पर मैं आपसे पूछूं आ लिटिल द लिटिल या लिटिल, अब इन सभी में कौन सा वर्ड प्रॉपर वर्ड होगा। आई हैव गिवन हिम आ लिटिल मनी दैट आई हैड, अब ये दैट आई हैड तो
तो वो मनी जो मेरे पास था वो तो डिफिनिट था। अगर वो डिफिनिट था तो इसका मीन क्या है कि द लिटिल का मैं यूज कब करता हूँ। जैसे बोलता हूँ सीता इज द इल्डेस्ट डॉटर ऑफ अर फैमिली, सीता इज द इल्डेस्ट डॉटर ऑफ अर फैमिली। अब सीता इज द इल्डेस्ट डॉटर, इसका मतलब वो तो डिफिनिट हो गई। अगर डिफिनिट हो गई तो उसके पहले मैं आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। तो इसका मीन क्या है कि जो भी मनी मेरे पास था यानी आई हैव गिवन हिम, मैंने उसे धन दिया है, दैट आई हैव जो मेरे पास था, तो इसका मतलब है कि जो मनी मेरे पास था वो तो डिफिनिट था। तो जब डिफिनिट था तो यहाँ पर आ लिटिल ये प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, लिटिल ये तो ना के बराबर द लिटिल, तो यहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड क्या होगा, द लिटिल मनी दैट आई हैड। तो यहाँ पर लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इनको तीनों का यूज मैं लिटिल को सफिशियंट कंडीशन में, लिटिल को इन सफिशियंट कंडीशन में, आ लिटिल सफिशियंट कंडीशन में और द लिटिल उतना जितना सब, एक क्वांटिटी शोवर है। तो क्वांटिटी शोविंग की स्थिति में मैं लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल एक डिटरमाइनर के रूप में यूज करता हूँ। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि डिटरमाइनर के रूप में तो ये वर्ड यूज कर लेते हैं, ये तो इनकी क्वांटिटी को क्वालिफाई करेगा। क्वांटिटी को क्वालिफाई करने की स्थिति में इनके बाद में एक अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे, वो हमारा सिंगुलर नंबर का होगा। अगर वो नाउन सिंगुलर का होगा तो इसके साथ जो भी हेल्प, जो भी वर्ब यूज करूँगा वो वर्ब भी हमारी सिंगुलर नंबर की होगी। तो इस तरह से लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल हम यूज कर सकते हैं। द सेम आप देखेंगे कि लिटिल, इसके अगर मैं सी डी देखूँ तो लिटिल का सी डी लेस और लेसर भी रहता है। अब लेस और लेसर में डिफरेंस क्या है, तो सी डी के बारे में आपने देखा था कि एक कंपरेटिव वर्ड रहता है, कंपेरिजन, लिटिल का कंपरेटिव लेस भी होता है और लिटिल का कंपरेटिव लेसर भी होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कहाँ पर लेस और कहाँ पर लेसर। लेस का यूज मैं क्वांटिटी शोविंग में करता हूँ, जबकि लेसर का यूज इसमें लोअर इन वैल्यू, एक क्वालिटी क्वालिफाइंग के रूप में, क्वालिटी क्वालिफाइंग के रूप में मैं लेसर यूज करता हूँ। वहीं पर लेस एक क्वांटिटी क्वालिफाइंग में लेस के साथ में दैन का यूज किया जाता है, जबकि लेसर के साथ में दैन का यूज नहीं करते हैं बल्कि उसके साथ ऑफ का यूज करते हैं, क्योंकि लेसर एक सेलेक्शन की स्थिति में भी यूज किया जाता है। कैसे, जैसे जैसे मैं बोलूं कि आई हैव लेस मनी देन यू, यहां पर मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर में है, यहां पर कंपैरिजन हो रहा है, आई हैव लेस मनी देन यू, एक क्वांटिटी क्वालिफाई करेगा। अब अगर इसी में मैं लेसर का यूज करूं, जैसे मैंने बोला कि राम इज अ गुड टीचर बट अ लेसर एडवोकेट, राम इज अ गुड टीचर बट अ लेसर एडवोकेट। अगर मैं इसकी कंपैरिजन क्वालिटी में देखता हूं तो लेसर वर्ड क्या करता है, क्वालिटी क्वालिफाई करता है। तो क्वालिटी क्वालिफाइंग की स्थिति में यानी इसका मीन क्या है कि राम इज अ गुड टीचर, राम एक अच्छा टीचर है, लेकिन तुलना में क्वालिटी में एक कम एडवोकेट है, यानी एडवोकेसी उसको इतनी अच्छी नहीं आती है जितना कि एक अच्छा टीचर है। तो इसका मतलब सेलेक्शन के केस में हम लेसर का क्वालिटी क्वालिफाइंग के रूप में, यानी ये क्या बताता है, ये लोअर क्वालिटी को बताता है कि टीचर तो बढ़िया है लेकिन लेसर इन बट अ लेसर एडवोकेट। द सेम अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया कि विच इज द लेसर ऑफ द टू टीचर्स,
दो टीचर हैं, उसमें किस टीचर की वैल्यू तुलना में कम है, लोअर इन वैल्यू, तो विच इज द लेसर ऑफ द टू टीचर्स। सीधा इज द लेसर ऑफ द टू टीचर्स, दो टीचर, उसमें अगर सीता की बात करूं तो सीता ये डिफिनिट हो गई, तो उस कंडीशन में सीता को अगर कह देंगे कि सीता इधर दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा टीचर होगा, तो सीता इज द लेसर ऑफ द टू टीचर्स, यानी उन दोनों टीचर्स में सीता की जो वैल्यू है वो तुलना में दूसरे से कम है। तो जहाँ पर हम इस तरह का यूज, यानी वैल्यू कुछ अगर कंपेरेटिव है, लिटिल का लेसर भी कंपेरेटिव है, लिटिल का लेस भी कंपेरेटिव है, तो लेस को मैं यूज करता हूँ जहाँ पर क्वांटिटी को क्वालिफाई करना है, और लेसर का यूज मैं तब करता हूँ जहाँ पर हमको लोअर इन वैल्यू इसको शो करना रहता है। तो जहाँ पर लोअर इन वैल्यू तो सीधा ही द लेसर आगे टू टीचर्स। इसके बारे में मैंने आपको सीडी में बताया था कि कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द भी यूज करता हूँ, लेकिन मैं तब करता हूँ जहाँ पर वो डिफिनिट हो जाता है। अब इन दो टीचर्स में से अगर सीता के बारे में बात करूँ तो सीता की वैल्यू दूसरे टीचर से कम है, तो उस कंडीशन जहाँ पर डिफिनिट हो जाता है तो उस कंडीशन में लेसर से पहले, उस कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का भी यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से लेस और लेसर यूज कर सकते हैं। लिस्ट के बारे में बात करूँ तो लिस्ट लिटिल का एक सुपरलेटिव फॉर्म है, लिस्ट लिटिल का एक सुपरलेटिव फॉर्म है। तो जहाँ पर सुपरलेटिव की स्थिति में यूज करें तो वहाँ पर मैं लिस्ट यूज कर देता हूँ। इसके बाद देखता हूँ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। जिस तरीके से आपने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को देखा, द सेम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये क्वांटिटी को क्वालिफाई करता है, क्वांटिटी के बारे में बताता है, वहीं पर फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू ये नंबर्स ओवर है। इसमें फ्यू का मीन क्या रहता है, नॉट सफिशियंट ये नंबर, अ फ्यू सफिशियंट, द फ्यू उतना जितना सब। कैसे मैं इसको यूज करूंगा, जैसे मैंने बोला कि आई हैव फ्यू इनिमीज, इन द सिटी। अब इसका मीन क्या है कि आई हैव फ्यू इनिमीज इन द सिटी। अगर मैं इसी को आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हटा देते, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी। अब इन दोनों कंडीशन में देखें कि इनिमीज एक नाउन है, एक प्लूरल फॉर्म में है। इस फ्यू के बाद में जो भी नाउन, ये तो डिटरमाइनर के तरीके से काम करेगा, एक डिटरमाइनर है, इसके बाद में जो भी नाउन वो प्लूरल नंबर का रहता है, काउंटेबल होता है। अब अगर इस सेंटेंस को देखें कि आई हैव फ्यू एनिमीज इन द सिटी, इसका मीन क्या है कि शहर में मेरे ना के बराबर इनेमी है, ना के बराबर दुश्मन है। इसका मतलब है कि मेरे जो भी है वो सारे ज़्यादा बड़े पैमाने पर सारे लोग मेरे दोस्त हैं। तो आई हैव फ्यू एनिमी है जो इन द सिटी। इसी तरह आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, ना के बराबर, इसका मतलब मेरे कोई दोस्त नहीं है। तो अगर ह्यूमन बींग के बारे में देखें तो ह्यूमन बींग एक सोशल क्रिएचर है, एक सोशल प्राणी है, उसको कोई ना कोई, कुछ ना कुछ दोस्त तो होते ही हैं। तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर एक ये प्रॉपर वर्ड जैसा नहीं लगता है। तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी। अब जैसे मैं इसी को आई हैव
अब यहां पर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर आ फ्यू या फ्यू या द फ्यू कौन सा वर्ड प्रॉपर होगा? क्या आई हैव फ्यू, आई हैव रूपीज सो आई कैन हेल्प यू, आई हैव फ्यू रूपीज, अगर मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं तो हाउ कैन हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? तो फ्यू तो यहां पर प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, तो फ्यू क्या शो करता है? फ्यू तो ये शो करता है कि मेरे पास पर्याप्त तो पैसे नहीं है, आई एम नॉट सफिशियंट रूपीज सो आई कैन हेल्प यू, तो हाउ कैन आई हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? इसका मीन क्या है कि मेरे पास उतना तो पैसा होगा कि जिससे आपकी मदद की जा सके, तो इसका मीन क्या है कि यहां पर फ्यू प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, यहां पर क्या हो सकता है, आई हैव अ फ्यू रूपीज सो आई कैन हेल्प यू। इसी प्रकार इनमें सेलेक्ट करके बताएंगे कि कौन सा वर्ड प्रॉपर होगा। आई गेव हिम इसके बाद रूपीज दैट आई हैड। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इस जगह पर ये ब्लैंक में इनमें से कौन सा वर्ड सुटेबल होगा, अगर मैं फ्यू को लगाता हूँ या मतलब कि दैट आई हैड, इसके मतलब जो भी मेरे पास पैसा था वो डिफिनिट था, वो मेरी जानकारी में था कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना रूपी है। आई गेव हिम रूपीज दैट आई हैड, तो आई गेव हिम इसका मीन ये वर्ड अगर ये दैट आई हैड यहाँ पर यूज ना किया होता तो यहाँ पर आप ही हमारे लिए पर एक प्रॉपर वर्ड होता, इस सेंटेंस के लिए एक प्रॉपर वर्ड होता कि आई गेव हिम आप यू रूपीज, इतना दे दिया कि उससे उसका काम चल जाए। अब यहाँ पर देखता हूँ कि आई गेव हिम जो भी मेरे पास था उतना सब दे दिया, तो आई गेव हिम द फ्यू रूपीज इसके बाद दैट आई हैड, तो यहाँ पर द फ्यू रूपीज इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड होगा। तो इस तरीके से आपने फ्यू आ फ्यू और द फ्यू इसके बारे में ये देख लिए कि जिस तरह से लिटिल एक नेगेटिव सेंस रखता है उसी तरीके से फ्यू भी एक नेगेटिव सेंस रखता है। लिटिल एक क्वांटिटी को क्वालिफाई करता है, वहीं पर फ्यू एक नंबर को क्वालिफाई करता है, ये काउंटेबल नाउन के साथ और वो अनकाउंटेबल नाउन, वो सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ, ये प्लूरल नंबर के साथ, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो वर्ब को भी देखता हूँ। यहाँ तो पार्टिकुलरली मैं फ्यू आ फ्यू द फ्यू लिटिल आ लिटिल और द लिटिल इन पर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरे सेंटेंस को देखना होगा कि इसमें वर्ब भी हमारे किस नंबर की है, वो वर्ब हमारे सिंगुलर का है, वो वर्ब हमारा प्लूरल का है, इस चीज़ पर भी हमको फोकस करना है। तो ये देखेंगे कि जहाँ पर फ्यू आ फ्यू द फ्यू ये नंबर सोवर है एक काउंटेबल नाउन के लिए, तो इनके साथ प्लूरल नंबर का वर्ब और लिटिल आ लिटिल द लिटिल इनके साथ अगर सिंगुलर नंबर का नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ जो भी वर्ब प्रयुक्त करूंगा दैट विल ऑल्सो बी ऑफ सिंगुलर नंबर। तो इस तरीके से मैं लिटिल आ लिटिल द लिटिल फ्यू आ फ्यू द फ्यू इनका यूज कर सकता हूँ। अब देखता हूँ, अच्छा लेस और लेसर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब देखता हूँ कि फीवर एक फ्यू का एक कंपेरेटिव वर्ड है, फीवर के साथ में देन यूज करता हूँ, ये नंबर सोविंग के लिए यानी से कम, जैसे देयर आर नॉट फीवर मैंगो, फीवर मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन, देन इन दैट वन। अगर मैं मैंगो ट्रीज की कंपेयर करता हूं इस गार्डन के मैंगो ट्रीज की दूसरे मैंगो गार्डन के ट्रीज से, तो यहां पर मैं देखता हूं कि देर आर नॉट फीवर मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन, यानी इस गार्डन में उस गार्डन से कम मैंगो ट्रीज नहीं है, तो से कम के अर्थ में मैं फीवर, तो फीवर
एक नंबर सुवर है। सेकम की स्थिति में आई हैव नोट टू फीवर रुपीज देन यू, आई हैव नोट फीवर रुपीज देन यू, यानी कि मेरे पास तुमसे कम रुपी नहीं है, एक नंबर सो भी। तो सेकम के अर्थ में मैं फीवर यूज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने लिटिल आ लिटिल द लिटिल फ्यू आ फ्यू द फ्यू और फीवर लेस लेसर, तो इन सभी के बारे में मैंने ये देखा कि लेस और लेसर, एक लेस तो क्वांटिटी क्वालिफाई करता है, वहीं पर लेसर एक क्वालिटी क्वालिफाई करता है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर वे पे इन सभी का यूज कर सकते हैं। ओके, जो भी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं आपको, कमेंट करके इसके बारे में बताएंगे। और हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, वो नेक्स्ट क्लास डिटरमाइनिंग के मैंने दो काइंड बताए, एक तो संख्या और दूसरा उसकी, एक तो संख्या और मात्रा को शो करता है यानी नंबर और क्वांटिटी को, और दूसरा उसको आइडेंटिफाई करता है यानी नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक तो पॉसेसिव एडजेक्टिव काम करता है, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव करता है, तीसरा आर्टिकल करता है। और वहीं पर संख्या और क्वांटिटी को क्वालिफाई करने के लिए, संख्या और क्वांटिटी क्वालिफाइंग, ये जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, तो इस यानी तीन ये जो हैं। अच्छा, एक चीज और आपके बताएं कि इनमें ये जो दो पार्ट में मैंने आपको डिवाइड, ये एडजेक्टिव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, ये तो डिटरमाइनर के दो पार्ट हो गए। इनमें जो पॉसेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनको एक साथ किन्हीं दो को किसी भी सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। कैसे? जैसे मैं बोलूं दिस इज माय द बुक, दिस इज माय द बुक, या दिस इज माय अ बुक, माय के बाद में आ लगा दिया, माय के बाद में द लगा दिया। अब अगर मैं आ और द के बारे में बात करूं, तो आ और द ये दोनों दोनों डिटरमाइनर एक ही ग्रुप के हैं, माय भी उसी ग्रुप का है। तो जो सेम ग्रुप के दो डिटरमाइनर किसी भी सेंटेंस में एक साथ यूज नहीं किए जाते। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में जो नंबर और क्वांटिटी को क्वालिफाई करता है, उनके भी किन्हीं दो डिटरमाइनर्स को एक साथ किसी भी सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ को अभी विशेष ध्यान, ये करेक्शन के लिए इस तरीके से दे सकता है कि दिस इज माय अ बुक, दिस इज माय द बुक। तो माय और द या माय या आ, ये दोनों एक ही ग्रुप के डिटरमाइनर हैं, और जो आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान बताते हैं, तो ये दो एक ही ग्रुप के ये डिटरमाइनर एक साथ यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, उस क्लास में मैं आपको इसी जो आइडेंटिफाई करने वाले वर्ड हैं, इनमें आर्टिकल आता है, आर्टिकल को किस तरह से यूज करूंगा, ए एन द, इसमें ए और एन क्या बताता है, द क्या बताता है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आपका डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है, वहीं पर आपका एक इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। अब ये डिफिनिट को डिफिनिट क्यों कहा जाता है, या इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है, इनका सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे, ये हमारे आपको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बच्चों।